तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो आज वीडियो हम रुकने वाले राज जी को। पिछले वीडियो में श्री कृष्ण को रुका था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो स्किन टोन बना लेता हूँ एंड पिंक टोन, बिकॉज 12 सेट में तो आपको पिंक टोन और स्किन टोन नहीं मिलता है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले पिंक टोन को बनाने के लिए लिया है व्हाइट एंड रेड कलर। व्हाइट का जो क्वांटिटी है उसको ज्यादा रखना है एंड रेड का कम, एंड ब्राउन एंड व्हाइट लिया है स्किन को बनाने के लिए। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाटर ले ले रहा हूँ, वाटर की होगा कि ये जल्दी से मिक्स हो जाएगा। एंड स्किन कलर को बनाने के लिए मैंने यूज किया ब्राउन एंड व्हाइट। इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, डार्क, मीडियम एंड लाइट। इससे क्या होगा कि जहाँ पे हमको डार्क का जरूरत पड़ेगा हमको बार बार स्किन टोन नहीं मिलाना पड़ेगा, तो एक ही बार में हम सब मिला के रख लेते हैं। तो चलिए मैं आपको मिक्स करने के बाद मिलता हूँ। फाइनली यहाँ पर हमारा मिक्स हो चुका है, अब हम ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं स्मॉल ब्रश का यूज करूंगा। सबसे पहले हम इसमें वाटर थोड़ा सा लेंगे और पैक का क्वांटिटी ज्यादा लेंगे, उससे क्या होगा कि थोड़ा डार्क शेड आएगा, बिकॉज मैंने लाइट पहले से कर रखा था। आपको अगर पिछले बार वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो आप जाके देख लेना, उसके बाद ड्रॉ करने बैठना, उससे आपको थोड़ा हेल्प मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले पिंक का शेड यूज किया हूँ, उसके बाद स्किन कलर। यहाँ पे मैं लाइट वाला स्किन कलर यूज कर रहा हूँ एंड लाइट टू डार्क ही जाएंगे, सीधे डार्क आपको नहीं करना है। यहाँ मैं थोड़ा रुक रुक के ड्रॉ कर रहा था, बिकॉज जो कि स्किन कलर था जल्दी सूख नहीं रहा था, मैंने ज्यादा वाटर डाल दिया था इसलिए। सो अभी मैं यहाँ पे 3-4 लेयर चढ़ा रहा हूँ, एंड टिश्यू पेपर का मैंने इसलिए यूज किया था बिकॉज जहाँ पे ज्यादा चढ़ जा रहा था वहाँ पे मैंने कम कर दिया था टिश्यू पेपर का यूज करके। तो अभी हम यूज करेंगे ब्लैक कलर, ब्लैक कलर से हम डिटेलिंग करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा ब्राउन कलर, एंड ब्राउन कलर से मैं नोज बनाऊंगा। एंड मैंने नोज में ब्राउन कलर का यूज किया है जो कि प्योर ब्राउन है, मैंने उसमें कोई भी कलर नहीं मिलाया है, सीधे मैंने आउटलाइन ड्रॉ कर लिया एंड उसको ब्लेंड। उसके बाद मैंने यूज किया है पिंक कलर, पिंक कलर से मैं इनका लिप्स बनाऊंगा। लिप्स बनाने के लिए मैंने इसमें पिंक और व्हाइट का मिक्स किया है जो कि थोड़ा लाइट लुक था। उसके बाद मैंने रेड का यूज किया डार्क लुक देने के लिए, एंड देन मैंने बीच में व्हाइट का यूज किया, उसके ऊपर से मैंने तीर ड्रॉ किया। फाइनली यहाँ पे हमारा लिप्स कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे पिंक कलर लेके रंग बना रहा हूँ उनके फेस पे जो लगाना है, एंड मैं इसको स्किन पे ब्लेंड कर दूंगा। ज्यादा दिख रहा तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो यहाँ मैं पेन का यूज कर रहा हूँ। पेन का यूज इसलिए मैंने किया बिकॉज जो डिटेलिंग ब्रश था वो अच्छे से एकदम स्मॉल पार्ट पे डिटेल नहीं कर पा रहा था, उसलिए मैंने यहाँ पे पेन का यूज। तो फाइनली ऊपर का पार्ट कम्प्लीट हो चुका है, अब हम नीचे पार्ट पे ड्रॉ करेंगे। नीचे पार्ट पे ड्रॉ करने के लिए मैंने यूज किया है येलो ओकर, येलो, ऑरेंज एंड ग्रीन, ये कुछ कलर्स जो मैंने नीचे यूज किए हैं, एंड स्किन कलर वो भी मैंने नीचे यूज किया। यहाँ मैं कुछ कलर्स को ऐसे छीट देता हूँ मूव ब्रश से, उससे क्या होगा कि थोड़ा होली का डिजाइन आ जाएगा, एंड हैप्पी होली मैंने लिख दिया है। एंड चलिए ये वीडियो तो 2-3 दिन बाद ही आ रहा है हैप्पी होली के, तो इसके लिए सॉरी, बिकॉज थोड़ा सा लेट हो गए हम, और अगली बार से टाइम से पहले ही आ जाएगा। वैसे मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर रखा था होली पे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लास्ट स्क्रीन पे जो आएगा वहाँ से आप जाके देख सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में किसी नए ड्राइंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।